प्लस फाउंडेशन द्वारा पीक 2023 नाइन्थ कन्क्लेव सीडी देशमुख हॉल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक ने सबका स्वागत किया। पद्मश्री एंड पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी के प्रोमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट और मैडम मनोरमा जोशी फाउंडर मंगल जी, श्री अनिल अरुण सिंगल जी ऑनर ऑफ न्यू जनरल ऑन हाइड्रोकार्बन सेक्टर और रेस्पेक्टेड श्री एस एल रैना जी फॉर्मर डायरेक्टर एच आर गेल, श्री सुबीर प्रकाश सर फॉर्मर डायरेक्टर फाइनेंस ए, श्री सूरज प्रकाश फॉर्मर डायरेक्टर फाइनेंस बी एम एल, श्री एस रविशंकर सीईओ यस वीकेन अकेडमी, डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक पैट्रन एंड मेंटर ऑफ प्लस अप्रोच फाउंडेशन, श्रीमती विदुषी कर्नाटक मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ द फाउंडेशन, श्री हेमपंथी ट्रस्टी, पी एफ एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स, PAF board members, Sri Gajan Patakji, mentor and coordinator of Pai Matila, all delegates, friends, Arunia, Padmashri Saribhushan, Dr. Anil Prakash Joshi, Samare Vishishta Viti, और यहाँ पर आज सहभागिता करते कर रहे आप सभी लोगों का मैं मैं अब श्री अनिल जोशी जी से आग्रह करूंगी हमारे दर्शकों से कुछ साझा करें और हमें मार। आज जब दुनिया भटकी हुई है आत्मा से लेकर और शरीर तक, ऐसे में एक व्यक्ति एक बड़ी नौकरी के बाद करने के बाद फिर भी उनके दिल में अगर गांव धड़कता है, हिमालय पहाड़ और अपना घर, तो मुझे लगता है कि ये शायद एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक उदाहरण है उन सबके लिए भी कि जो किसी भी रूप में किसी भी तरह से कहीं से भी सेवा निवृत्त हुए और किन्हीं कारणों से। अनिल कर्नाटक जी हैं, अशोक चक्रधर जी हैं हमारे बड़े भाई, मित्र अनिल जोशी जी, पंकज मालवीय जी, गुप्ता जी, आप सब लोग के बीच में मुझे बात करने का अवसर मिल रहा है। देखिए पर्यावरण पर अनिल जी ने जो कहा वो इतनी अच्छा, क्योंकि अनिल जी सिर्फ कहते नहीं हैं, करते भी हैं, मेरा तो उनका बड़ा संबंध है। और इस समय उत्तराखंड में जो परंपरा चिपको आंदोलन से शुरू हुई थी, जगन्नाथ भट्ट जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी, गौरा देवी जी, तमाम बड़े बड़े नाम हैं, उस परंपरा को पर्यावरण के प्रति जो प्रतिबद्धता है और जो संघर्ष है उसको जिस तरह से अनिल जी आगे बढ़ा रहे हैं और करनी है उल्लेखनीय है। इस मुद्दे को हमें नीचे तक ले जाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। जनता ही बचाएगी पर्यावरण, सरकारों को भरोसा करना छोड़ो अपने कंडक्ट से, कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं दो तीन चीजें जो सरकारें करती करती रहती थी, ठीक है। और आपको विश्वास दो करीब करीब 2,500 लोगों ने बात कर लिया और करीब 1200 लोगों ने तो अपने ऊपर ही खर्च किया, दे हैव रिड्यूस देयर वेट। और एक लड़का मेरे को मिला, मैंने कहा तेरे को क्या फायदा क्या होगा, बोला सर मैंने अपना रिएक्शन टाइम कम कर दिया, अब मैं पहले लोगों से बात करता था रिएक्ट करता था, अब मैं रिएक्ट किया। और जो विरोध जी आपने बोला पानी वाला हमारा प्रोजेक्ट है, उसका नाम है श्री सेव रिसोर्स एनर्जी एंड एनवायरमेंट, और मालवीय जी उससे पटना में एक स्कूल हमने लॉन्च किया, उसे वहां के बच्चे लोग उसे कर रहे हैं सेव रिसोर्सेज, खाना बचे खाना उत्तीर्ण है जितने आवश्यक है पेट में, बहुत गरीबी है। नंबर टू वाटर एंड नंबर थ्री टाइम एंड फोर्थ इज मनी। हमारे किसी भी स्कूल में
मतलब हम तो बूढ़े हो चले, कहीं ये नहीं बताया कि हमने पैसे कैसे ग्रो करें। एक बार सीबीओ साहब थे, चीफ बिजनेस ऑफिसर, बहुत अच्छे थे, तो बोले कराटे साहब अगर लोगों को ये पता लग जाए ड्यूरिंग देयर सर्विस पीरियड हाउ टू ग्रो योर मनी, वो लोग करप्शन में नहीं जाएंगे। व्हाई पीपल गो फॉर करप्शन? क्योंकि उनकी नीड पूरी नहीं होती। सो इफ यू नो हाउ टू सेव योर मनी प्रॉपरली, सो दैट इज रिसोर्स, इनर्जी, बिजी बचाओ। मैं रोज अपने ऑफिस जाके अपने टॉयलेट की लाइट को ऑफ कर देता हूँ, उसका एक एग्जॉस्ट चलता है। मेरे मन में ये संतोष होता, मैंने एक यूनिट बिजली बचाई। हमने कैलकुलेशन करी थी कि जितने भी इलेक्ट्रिफाइड घर हैं, अगर एक यूनिट बिजली भी बचाते हैं तो करीब करीब उस टाइम पे आज से 10 साल पहले करीब 70,000 करोड़ बचाता है। एंड ऑफकोर्स इन्वायरमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसा भी हम चेंज ऑफ बेस्ट, और हम जोशी जी साथ जुड़ के शायद अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें मौका मिला वहाँ पटना में वैशाली में बुद्धा वर्ल्ड स्कूल है, वहाँ पे हमने पिछले 4 महीनों से बच्चों के बीच में सेशंस ऑर्गेनाइज करना शुरू किया है। हम कॉन्फ्रेंस मान लिए जैसे अपने बताए, और तमाम चीज़ों पे जया अग्निहोत्री जी ने और हमारे अनिल सर ने जोरी सर ने बताई की है। हम लोग अभी जो कोशिश शुरू किए हैं, जैसा कि सर कर्नाटक सर भी हम समान विचार के लोग, जो भी पर्यावरण के लिए बहुत छोटे छोटे स्तर पे पूरे देश में काम चल रहा है, उसको इंडिविजुअल लोग भी कर रहे हैं, हम सबको एक जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो अभी अग्निहोत्री भाई बोल रहे थे, सर बोल रहे थे कि हमारी आवाज कहाँ बन पाती है, वो मुद्दा नहीं बन पाता है। कलाकृति लोकल आर्टिस्ट ने बनाया है, आज वो हमारे बीच में भी है, हम उससे भी अवगत कराएं। और अशोक चक्रधरजी की तो हम सुनेंगे, वो जिंदगी के बाद सकारात्मक सोच के बारे में हमको। और we wish that this SDG 0 is soon recognized and a positive thinking process is initiated by all, not only in India, globally as well. अनुरोध करूंगी उन्हें ये जो ऑन दिवस जीवन बचाओ जंगल बचाओ का एक बहुत सुंदर कार्यक्रम करते हैं, उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। उनका जंगल के विषय में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जो अभी सर ने बोला शुरुआत पहले अपने से करनी चाहिए, वो शुरुआत हमने अपने से ही की, क्योंकि मैं भी एक कृषि कार्य हूँ। प्रेरणा डाली शैलेंद्र यादव। मनोरमा जोशी जी को पीक धगीची अवार्ड प्रदान किया गया। आज बुद्धिजीवियों के बीच में मैं एक सौभाग्य आदरणीय आशुतोष कर रहा हूँ। आकाश हवाई जहाज उड़ चुका है, आप ही भी भेजा, आपने गूगल से किया था। आपने भूतल से लिया है, गूगल से नहीं लिया, और गूगल का अपमान करने का भी हमें कोई शौक नहीं है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया। हम निसंकोच मजाक बनाना बंद कर दें तो हम शायद बेहतर पॉजिटिव थिंकर होंगे।
और मेरे को लास्ट में ड्यूटी बनी हैप्पीनेस फॉर द पॉजिटिविटी। तो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ आपके लिए, और प्रोग्राम के अंत में डॉक्टर हैप्पीनेस हैप्पीनेस का मंत्र सिखाते हुए हैप्पीनेस सूप, हैप्पीनेस जूस, हैप्पीनेस कुछ भी, ठीक है। तो आज हम खड़े हैं।